हाय एवरीवन, दिन है और रातें हैं, मम्मी की बातें हैं. दिस टॉक रियली हेल्प्स मी एंड आई होप इट हेल्प्स यू टू. सम ऑफ इट इज़ क्वाइट गिगली एंड टिकलिंग. आई मीन, सो the last time I discovered in this mummy talk is that there is this destiny, kudrat, we call. तो ये कुदरत जो है ना, I'm speaking in Urdu now because I feel that Her Highness Allah salamat rakhe, Her Highness. I don't know, I should not take her name. मुझे उनका नाम नहीं लेना है. मुझे डर लगता है. डर किस बात से लगता है? जब प्यार किया तो डरना क्या? बेवकूफ़ी नहीं करो तुम. ऐसे नहीं, तुम जेल में जाओ. हर हाइनेस शेख फातिमा बिन मुबारक का खेत पे नाम आ गया. देखा, लगता है कि तुम्हें बहुत शौक है जेल में जाने को. हर हाइनेस ने मुझे बुलाया. बड़ी ऐसी पतली आवाज़ है. मुझे नींद से उठाया. कंकरिया मार के जगाया. ट्विट, अभी तुम्हें फाइन नहीं करें जेल में, तुम नहीं जाओ. कर वो मेरे सपनों में आया. तू मेरे सपनों में आया. बाल माँ तू बड़ा वो है. ये तू 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 क्या है? ये गाने में है. मुझे माफ़ करना. क्या माफ़ करेंगे कोई? जेल में सीधा डालेंगे. तुम ऐसे अपने आप को फंसा रही हो. कन्फेस करो कि मैं जो हूँ वो ऐसे ही हूँ. अभी तुम्हें कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए कि तुम अबू धाबी जाओगी. जो जाने के लिए इतना सोचता है, प्रैक्टिस करता है, वो जाता कहाँ है? दिल को बड़ा करो और उठाओ अपना बैग पैक और चली जाओ बस में अबू धाबी. इतनी कमज़ोर हो तुम. एक वक्त तो ऐसा था कि तुम कहती थी कि मोहब्बत के लिए मैं बड़ा सा बड़ा माउंटेन क्लाइम करूँगी, वॉल को नीचे लाऊँगी, तोड़ूँगी, पता नहीं क्या करूँगी, सितारे नीचे लाऊँगी. आई विल वॉक द होल वर्ल्ड फॉर यू. पूरी दुनिया में वॉक करूँगी अपने बिलव्ड के लिए. और मोहब्बत तो माउंटेंस को मूव कर सकती है, जबलों को मूव कर सकती है. ए मेरे हम सफ़र, एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की. अच्छा, तो अभी तुम सोच रही हो कि कैसे जाओगी और क्या बोलोगी? फिर से हम प्रैक्टिस में लाते हैं तुम्हें कि तुम बोलोगी हर हाइनेस शेख फातिमा बिन मुबारक अल केदपी को कि तुम एक प्रोफेशनल कैमरा वुमन हो, बड़े बड़े फोटोग्राफ्स खींचती हो और बड़े बड़े आदमियों के फोटोग्राफ्स खींचती हो. नहीं, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल सकती. झूठ से ही तो दुनिया भागती है.
झूठ से नहीं भागती। जी नहीं, तुम अपने ख्याली पुलाव छोड़ के आ जाओ। देखो, झूठ से दुनिया भागती है और सच से तो दुनिया कहीं, दुनिया ये दुनिया झूठ से भागती है। हाँ नहीं नहीं यानी runs on lies, बहुत तेज भागती है। तो हम खड़े रहेंगे, यही तो है। मिस डिसा ने सिखाया है कि सच बोलो, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलो। तो ऐसे ही मार डाला अल्लाह, मार डाला ये किसकी है आहट। अभी देखो तुम इधर, यहाँ तो तुम बिल्कुल भी बात नहीं करोगी, मुंह नहीं खोलोगी अपना, उधर आंखें नीचे होंगी। और हाँ, प्रैक्टिस कर लो और चू नहीं कर सकोगी तुम, चू नहीं करोगी। फिर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। मुझे तो कहीं और छुपना है। तुम ऐसा करो, निकाब पहन के जाना। ये सही है, हाँ इस दफ़े निकाब बड़ा वो काम करेगा, और हमें तो निकाब पहनना चाहिए, इससे कि बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूँगी। हर हाइनेस माफ़ करना, ये बच्चों जैसी है, तो आप इसको लॉलीपॉप देंगे और आइसक्रीम खिलाएंगे, और हम, ये बच्ची चाय भी पीती है वैसे बहुत, लेकिन ये बहुत फसी है, बहुत, इसको बहुत कम आइसक्रीम के फ्लेवर्स पसंद हैं, या तो कॉफ़ी या कोकोनट, या फिर अगर थर्ड चॉइस हो सके तो वनीला। ये सारा जवाब तुम्हारी ज़िंदगी की शायद आखिरी पिक्चर हो, आखिरी पोर्ट्रेट हो, इससे कि ये बहुत शर्माती है। और फिर ये जो चिल मन है दुश्मन है हमारे, कैसे दिल संभले उलझन है हमारे। अभी ये प्रैक्टिस ना कामयाब हुई है, सारे 8 मिनट्स हो गए हैं, यानी 8 मिनट और 30 सेकंड्स। तो अब हम क्या करें, अब इसको हम अपलोड करें या रहने दें, इससे कि ये दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, तुम सबको पागल कर दोगी ऐसा लगता है। हाँ तो लोगो, इसे ऐसे लगा कि हर हाइनेस शेख फातिमा बिन मुबारक अल कैद भी कह रही है कि क़यामत है। क़यामत से क़यामत के सॉन्ग्स इसने बड़े देखे हैं, सुने हैं और वीडियोस देखे हैं, तो इसको ऐसे लगा ये थोड़ी डिल्यूटेड है और पागल भी है, और ये सबको अपने दिल की बातें बोल देती है। अब ये भी अपलोड करेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा इसकी दिल की बातें, और ये कह रही कि क्या करें, हर हाइनेस को तो हम नहीं कह सकते फेस टू फेस। तो ये वीडियो जाएगा फटाफट अबू धाबी, और तुम ये क्या कह रही थी कि क्या, क़यामत है लेकिन आप मेरे साथ हैं, क़यामत है लेकिन आप मेरे साथ हैं।
ये कि पहले भी कयामत थी तो आप मेरे साथ हैं, और आज की कयामत तो आप मेरे साथ हैं। ये ज़रा जवाब लॉजिकल डिडक्शन करती है कि अगर आज कयामत है और हर हाइनेस शेख़ फ़ातमा बिन मुबारक अलकेत भी इसके साथ है, तो पास्ट में भी कोई कयामत होगी और हर हाइनेस शेख़ फ़ातमा बिन मुबारक अलकेत भी इसके साथ होगी, और मम्मी भी शायद थी होगी। इससे कि एक ख्वाब तो ऐसा आया था कि हज़रत अब्बास कह रहे हैं कि मैं, ये बेचारी रो रही थी कि मैं मम्मी से मिलूं, और लेकिन पागल हो चुकी थी तो कैसे मिले, कि ठीक हो तो मिले, लेकिन ठीक ही नहीं हुई ये। तो हज़रत अब्बास कहते हैं, जब ये दुआ कर रही थी अपने ख्वाब में कि मैं बीबी सुकैना के लिए वापस जा रहा हूँ पानी देने, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, तो इसमें हंसी की क्या बात है। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। खैर, हम कयामत पे थे कि अगर पहले गुज़र गई और हम रहे तो अब भी गुज़र जाएगी और हम रहेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसके साथ खुदा है। बहाना आंसू बुला दे हर गम के, तेरा हमदर्द हमदम हमदर्द तेरा खुदा है। तो आपने समझा कयामत की बात? बात तो हम समझ गए बात। अच्छा, तो हम चलते हैं। ये सुधरेगी नहीं, ये क्या क्या बातें करती है अपने साथ। और फिर जब वहाँ जाएगी ना, तो इसकी बोलती ऐसी बंद होगी, देखना। देख लेना देख लेंगे। हम तो वो हैं देखो जो प्यार में जीते हैं, प्यार में मरते हैं। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर उसे लिख नहीं पाऊं मैं उनका नाम, हाय राम। तो ये है कि आपको हर हाइनेस शेख़ फ़ातमा बिन मुबारक अलकेत भी कभी अलविदा कहने नहीं देती, नहीं। तो फिर हम क्या कहें? हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।